ओवरऑल 6 6 5 to 6 एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे को सब में पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। सबसे पहला एग्जांपल तो अपने घर का ही है, जैसे मेरी रियल सिस्टर है वो आयरलैंड में है, अभी डैड और मॉम वहाँ पे गए हुए हैं, तो इंटरनेशनल का उनका जो लाइसेंस था ऑलरेडी 4 से 5 बार रिजेक्ट हो चुका था उसका। तो सबसे पहले मेरे डैड वहां पे थे तो मैं फोन पे बात करता करता नॉर्थ वेस्ट थोड़ा बैलेंस करा, नॉर्थ वेस्ट में वहां का लोगो जो है वो सब जो बेसिक बैलेंसिंग थोड़ा बहुत कराया, बाकी जो आपने सिखाया है अरदास वाला वो करवाया। जिस दिन अरदास लगाई है अगले दिन ही उनका टेस्ट था, वो क्लियर हो गया और हाथों हाथ उनको पेपर मिल गया कि यू आर पास्ट। फर्स्ट एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस एक फ्रेंड का था, नरेला की फैक्ट्री थी वो, काफी टाइम से मतलब बिक नहीं रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, फ्री होल्ड के पेपर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका भी वहां पे थोड़ा बहुत करा, लेकिन मेन वही अरदास से काम हो गया, वो मान गया लिटरली कि सौरभ काम है, काम मेरा हो गया, मेरे फ्री होल्ड के पेपर्स, दादाजी की डेथ हो गई थी, नहीं मिल रहे थे बहुत टाइम से, जब से मैं तूने वो काम करा है विद इन, मैं बहुत महीनों से ढूंढ रहा हूँ, वो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो फ्री होल्ड के पेपर्स मुझे मिल गए और वो मेरा काम बन गया। ये दो एक्सपीरियंस। थर्ड एक्सपीरियंस मेरे खुद के जो इधर ससुराल वाले हैं उनका घर शाहदरा में था, वो बिक नहीं रहा था बहुत टाइम से बिकॉज कंबाइंड प्रॉपर्टी थी, वहां पे मैंने करा, पता नहीं कैसे माने सब आपस में, उनको रिजल्ट आया 1.5 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, विल इट सीन, ये वो मतलब काफी बेसिक बैलेंसिंग करने के बाद ही, अभी मैं पूरा डिटेल करूंगा तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और वो एक घर बिका, उसके बाद मेरी एक रियल मासी है जो वैशाली में रहती हैं, उनके भी घर में प्रॉब्लम थी, वही नॉर्थ वेस्ट का टॉयलेट और रेड बल्ब लगवाया व्हाइट बल्ब लगवाया बेसिक बैलेंसिंग, वो सब करने के बाद उनको भी रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर ओरिएंट हुआ, और जब नया घर ले रहे हैं वहां पे भी मेरे को बोलते हैं भाई एक बार चल वहां पे भी देख, और उन्हीं से आगे फिर धीरे धीरे मेरे को क्लाइंट्स, मतलब जैसे मासी थी तो उनके आगे डॉटर थी, उनका खुद का काम था, उनका खुद का शोरूम है, तो वहां का भी मेरे पास आ गया कि हाँ तू वहां का भी देख, वहां में प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्सपीरियंस था। और भी मेरे मतलब काफी एक्सपीरियंस है अभी तक जहां पे भी मैंने मतलब अपने पर्सनल, और एक मेरा फ्रेंड था साहिल जिसका हमने डिस्कस किया था, उसकी 5 प्रॉपर्टीज फंसी हुई थी, 2 निकल गई हैं, 3 बची हैं अब सिर्फ, मतलब कैसे निकली गुरुदेव ने किया है बट निकल गई, दो भी जिसकी अगर 2 महीने के अंदर अगर सुलट जाए प्रॉपर्टीज तो गुरुदेव का आशीर्वाद ही होगा सर, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, पर माध्यम तो किसी को बनना ही है और वो माध्यम आप हैं, है ना। और सामाजिक दृष्टिकोण से तो जो आपके टच में होता है वो यही कहता है कि आपने किया, पर ये करेक्ट। तुम्हारी जेनरॉसिटी होती है, तुम्हारा बड़प्पन होता है और तुम्हारे अंदर वो भाव होता है जिसमें मैं ये कहूँगा कि समर्पण का भाव होता है, जिसमें कि तुम अपने गुरुदेव को ही इसका क्रेडिट देते हो, क्योंकि जब तक आप उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे तब तक मामला कहीं का कहीं पहुंचता नहीं। एक और जगह सर, छुआरे रखवा के रिजल्ट आया है, मेरी सिस्टर का फ्रीलांसर है मतलब अपना मेकअप वगैरह का, साथ में जॉब भी करती है, तो ऐसी बात हुई एंड वो जो मतलब उनकी मैरिज हो रखी है वो सरदारों वगैरह में हो रखी है, वो लोग मानते नहीं वास्तु, बहन मानती है थोड़ा बहुत, कहती है भाई तू देख मैं कर लूंगी अपने आप, सिर्फ मैंने कहा चल तू कुछ मत कर बहन, सिर्फ छुआरे रख उस जगह और मेरे को थोड़ा टाइम बाद बताइयो, विद इन मैं कहूंगा 3 वीक्स के अंदर उसको जो साल से बिल्कुल एक भी ऑर्डर नहीं था उसको फ्री अपना पहला वो मिल गया फ्रीलांसर का। कह रही मैं जब इस घर से पहले थी तो मेरे पास बहुत ऑर्डर्स थे, मेरे बहुत काम चलता था, अब नहीं चलता, अब जब से रखा है तो अब जीजे का फोन आ रहा है, यार सौरभ एक बार जरा चांदनी चौक की दुकान है एक बार चलिए जरा। हाँ, और जीजे को जीजा जी बोलते हैं, स्पेशली जब वीडियो सर रिकॉर्ड हो रही हो, मालूम नहीं ना कभी जीजा जी देख ले, है ना, ऐसे बुरा मान जाएंगे। तो क्या किसके फोन आए थे, दोबारा बोलो तो। जीजा जी के फोन आ रहे हैं, तो एक बार हाँ, चांदनी चौक में भी जरा बताइयो कहाँ छुआरे रखने हैं, एक बार देखते हैं नक्शा भेजता। घर में बेटा इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जाता है, ठीक है। ठीक, हाँ, किसी और का हो तो जीजा चलेगा, लेकिन अपना है, पर्सनल है, तो वहां रिस्क नहीं लेना है। हाँ? वेरी नाइस, बोल बच्चे, प्राची क्या कहती है, बहुत अच्छे सौरभ, ऐसे ही करते रहे। सर मेरे भी दो एक्सपीरियंस है, एक तो मेरी रियल सिस्टर है, उसका लेडी चौबी का दुकान है, तो मैं लास्ट फ्राइडे सॉरी लास्ट वेनसडे में गई थी पुणे, तो मैंने उधर चंद्रमा जिधर जितना मेरे पास था चंद्रमा छुआरे रखवा दिए, और स्प्रिंग था, पट्टी थी तो उसका मैंने स्प्रिंग बनाया वो रखा, तो उसका आज फोन आया था, मैं कल कॉल करने वाली थी कि एक हफ्ता तो चाहिए ना, तो आज उसका खुद से फोन आ गया कि मेरा 500 या 700 ऐसा एवरेज उसका होता था दिन का, तो मोर देन 1000 वो अभी ले रही है कस्टमर से।
कस्टमर भी बढ़ रहे हैं। और उसके बाजू में एक केक शॉप का दुकान था, तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ एल्यूमिनियम के इतना स्टड्स थे छोटे छोटे, तो मैंने उनको जस्ट डायरेक्शन दिया कि छुहारे रखने को बोला और 5-6 स्टड लगा के आई, तो उनका उसी दिन से कच्ची दावेली और वो केक शॉप का दुकान था, तो उनको भी कस्टमर बहुत अच्छे आए। क्या बात, उनका भी आज फोन आया। बहुत बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत खुश रहो और बहुत अच्छे से इसी प्रकार से करते रहें आप लोग, लोगों को निदान दीजिए, उनकी पीड़ा से मुक्त कीजिए। जी सर, मेरे साथ तो बड़ा एक अजीब सा और बड़ा अद्भुत सा एक्सपीरियंस हुआ, विच इज नॉट रिलेटेड टू वास्तु। हुआ क्या सर, मेरा एक क्लाइंट है, वो एक चीज के अंदर फंस गया, तो उसका फोन आया बिकॉज मैं उसका लीगल का आदमी था सर, सारे जोर लगा दिए, कुछ हो ही नहीं रहा था। कल शाम के आसपास उस ऑफिसर ने जिसने उसके करा था, उस ऑफिसर ने बुलाया, सर मैं यही वाली शॉल पहन के गया उसके पास, ये वाली शॉल आप ही ने दी हुई थी सर, तो मैं कुर्ता पजामा के ऊपर पहन के गया। वो मेरा क्लाइंट बोला, प्रशांत यार ये क्या है, पंडित पंडित सर लग रहा है यार, ये तो क्या पहन कर आया है। मैं आपका काम हो जाएगा, आप चलो अंदर। और सर मेरे को लेटर मिल गया था, जो मेरे को लेटर चाहिए था वो मिल गया था, 2-3 घंटे जरूर लगे पर मेरे को मिल गया था। अब है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं अपने बॉस के साथ, तो यही पहन के करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत बहुत अच्छे से प्रशांत, बहुत अच्छे से ऐसे ही करते रहे। हाँ, कोई और व्यक्ति है जिसको, जिसने एग्जीक्यूट किया हो, इम्प्लीमेंट किया हो और उसको रिजल्ट आए हो, अपने घर पे या अपने मित्र के किसी के घर पे, बोलिए रतन। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैंने पेंट लगा के पट्टी बना के दिए थे, तो गुरुजी की इतना कृपा हुआ कि मेरे दोस्त के घर में उसको रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला बेटा, प्रॉब्लम थी और क्या रिजल्ट मिला? मेरे दोस्त के जो दो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं थे, तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर मेहनत करना पड़ता था, पढ़ाई ठीक से नहीं करते थे, और आपस में दो भाई जो है लड़ते भी थे, और जो है उनका सेविंग नहीं हो रहा था। तो मैंने उनके जब ग्रीट किया तो देखा कि वेस्ट साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, और वो जगह थोड़ा एक्सटेंशन भी है, मतलब बिल्डिंग से लग के वो बाहर की तरफ वो टॉयलेट है। तो मेरे पास वो पट्टी और वो वगैरह नहीं था उस समय, तो मैंने कहा कि तुम पेंट ले आओ, वाइट कलर का पेंट ले आके उसको मैंने पेंट से टॉयलेट को ब्लॉक कर दिया था। तो उसके बाद से, मतलब 2-3 हफ्ते बाद से वो कहने लगा कि बच्चे अब खुद से पढ़ने लगे हैं, और रात के 11-12 बजे तक वो बच्चे खुद अपने से बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया। जो खर्चे हो रहे थे वो सेविंग नहीं हो रहा है अभी, लेकिन वो अभी स्टेबल है। बहुत अच्छे से रतन, वेरी गुड। अब परमानेंट पट्टी लगाकर, एल्युमिनियम की स्ट्रिप डालकर इसको परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि उनको रिजल्ट आ चुके हैं, अब तो परमानेंट करने की बारी है उसको। ठीक है, बहुत अच्छे से बोल बेटा श्वेता। सर मैंने भी जो आपने एक वीडियो देखा था ना मेरा, वो क्लाइंट को किया था मैंने, तो उनको एक सपोर्ट का इशू आ रहा था कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और उनके जो फाइनेंसेस अटके हुए होते हैं ना, वो तो वो जोन भी छोटा था, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी वॉश टॉयलेट था, तो मैंने तब वो ब्लॉक करवाया था और साउथ ईस्ट में कॉप एनहेंस किया था। तो और नॉर्थ में अपॉर्चुनिटीज के लिए किया था, और मैं उनके लड़के को एंग्जाइटी की भी इशू थी और एंट्रेंस भी ESE की ही आ रही थी, तो वो भी ब्लॉक किया था। पर सपोर्ट के उसमें तो विदिन बोले तो लाइक 2 सेकेंड डे पे ही मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉल्स उनको आ रहे थे ऐसे, तो उनको वो ही लगा, वो मुझे वो बोल रहे थे कि इट्स अ मिरेकल एटलीस्ट, एंड देन विदिन 3-4 डेज उनको जो सपोर्ट से जो पैसे आते हैं ना फादर इन लॉ से, वो किसी का सपोर्ट ही नहीं था, और सडनली उनको कॉल करके वो लोग पैसे दे रहे हैं। वो सब मैंने उनको नॉर्थ वेस्ट में उनके फैमिली सपोर्ट के लिए फोटोज भी लगवाने बोले थे, तो उनको तो एकदम मिरेकली लग रहा था पूरा। और अभी आज एक करके आई हूँ मैं, आज एक तो अभी उनका भी यही इशू है फाइनेंसिस का,
पर आज मैंने उनके उसमें सवित्रा देवता भी एक्टिवेट किया है मैंने डिव्स डाल के, तो अभी मुझे वो देवता का देखना है कि उसका रिजल्ट कैसे आता है। बहुत अच्छे से बेटा, बहुत बहुत अच्छे से श्वेता, और तुम अपने क्लाइंट को कहना कि हम ऐसा मैजिक रोज ही करते हैं, ये तुम्हारे लिए मैजिक है क्योंकि तुम्हारे लिए अकल्पनीय अविश्वसनीय होगा, हम तो रोज ही ये कर रहे होते हैं, है ना? अब तो रोज ही करना है, बोलो बोलिए। हाँ जी सर, सर मैंने आपको बताया था ना कि मेरे मदर के मतलब बहुत चक्कर आ रहे थे, उनको सारे टेस्ट करा लिए थे और कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो फिर जब मैंने देखा कि वहां ही वो बाइक खड़ी हुई थी, वो मैंने हटाया और मेरी मदर को एनएनई में मैंने उनको सारी मेडिसिन रखी, वहीं उनको सुलवाया। और सर ये उस समय तो 50% लग रहा था, पर अभी 100% उनका बिल्कुल चला गया है। बहुत बहुत अच्छे से, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप लोग इतने अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, यही आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। बता बच्चे शुभ्रा जी। सर डिवाइन प्रणाम। नमस्ते। हाँ सर जी, जो मैंने किया था फरीदाबाद में आपको पता है, जिसका मैंने भेजी भी थी, तो उनको तो रिजल्ट पहले मिल रही थी, लेकिन अब काम के मामले में भी वो पहले 4-5 ही ट्यूशन करते थे, अब लगभग 12-14 ट्यूशन कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि जो सोसाइटी में वो ट्यूशन करते थे वो वहीं पर शिफ्ट भी हो जाएंगे, ये घर को ही वो फिल आउट कर देंगे। तो मतलब मैं रेमेडी लगाने की आने की बाद बहुत सारे प्रॉब्लम उनकी जो उलझ गया था ना वो सारे सुलझ गए हैं। और जो मैं पिछले संडे करके आई थी उनके घर, रिलेशनशिप की इशू थे मेनली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हस्बैंड डिप्रेशन की थोड़ा है उनकी प्रॉब्लम, और वाइफ के साथ बहुत लड़ाई होती है और बातें बंद कर देते, बात नहीं करते, मैंने बात नहीं करते हैं। तो लेडी क्या थे, वो चुपचाप हो गए थे एकदम, बिल्कुल से बातें नहीं करते थे, तो अब बोलने लगे, मतलब हस्बैंड को पहले बोल नहीं पाते थे, उनका जो फियर था ना, डर था, वो डर चला गया है। और सेकंड है कि हस्बैंड का वो डिप्रेशन इसलिए था कि उनको उनके पास पैसे है, सब है, लेकिन उनका मन का एक भय है कि उनके पास नहीं है, सब कुछ है लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है ना नहीं है। तो ये उनका जो थॉट्स था ना ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ये जो वाइफ के साथ उनकी जो बातें करना ये मतलब बहुत कम कम है। तो मैं इस चीज को समझ नहीं पा रही हूँ, बाकी इनका इतने में इतनी एक हफ्ते ही करी हूँ, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, आगे तो पता नहीं है, मैंने बाकी तो सारे करके आई थी। वाइफ का जो है बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है वो हर रोज आपकी सपना देखते हैं, हर रोज रेगुलर आपके। सर जी मेरे सपने देखते हाँ, तुम्हारा हाँ, नहीं आपके देखते हैं सर जी, और वो मेरे को सुबह कॉल करके बताते हैं कि आप उनके घर आए थे, ये बोल के गए हैं और ये करके गए हैं। तो मैं, और उन्होंने कहा भी है कि आपको बोलने के लिए, मैंने सोचा कि आज मैं आपको बोलूं कि वो हर रोज क्यों आपके सपना देख रहे हैं, पता नहीं मुझे भी नहीं। नमीन मैम और आप दोनों ही, मेरी रेवेनी लगाने से पहले दिन से शुरू हुआ है आपको उनके घर के जाना, और अभी चालू है मैडम के देखते हैं दोनों की। अच्छा, दोनों एक अच्छा ही अब जाते हो उसके घर, और मेरे क्लियर हो जानी चाहिए ना बात, है ना? दोनों की ही देखते हैं आप, दोनों जाते हो और मैम आपके लिए खाना बनाते हैं, और उनकी घर में आप ये बता के आते हो उनको, ये डिस्प्यूट है, ये चीज है, ये सब कुछ मुझे बताती है, फिर दूसरे दिन कॉल करके भी। और ये जो मैं उनकी चार्ट बना हुआ है ना उसमें दिखता भी है मुझे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो कह रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से शुक्रिया। एक पेड़ होता है, वो जड़ों से लगा होता है, और उस पेड़ की एक्सटेंशंस होती है, है ना? मैं अपने गुरुदेव की जड़ों के साथ हूँ और हम सब उनकी एक्सटेंशंस हैं, तो वही कर रहे हैं। हाँ, और कोई व्यक्ति जिसे कोई अनुभव हुआ हो, जिसने कुछ किया हो, कोई है ऐसा? नहीं, बाकी लोगों ने नहीं किया?
एक्सपीरियंस नहीं किया। अरे वो तो सही। हाँ शुभ्रा क्या कहती है? जी सर मैंने आपको बताया था मेरी बेटी बिल्कुल पढ़ नहीं रही थी जब हम उस घर में थे, बातें नहीं एकदम सुन रही थी, और इस घर में शिफ्ट होने के बाद वो हमें बोलना पड़ता है बेटा पढ़ाई छोड़ दे चल सो जा सुबह स्कूल जाना है, बेटा उठ जा पढ़ ले मतलब पढ़ाई हो गई बहुत पढ़ लिए उठ जाओ अभी, लेकिन वो अब इतनी पढ़ रही है कि नाक में दम हो गए हम तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, पर सर और एक बात भी बताना है, ये घर भी हमें फिर छोड़ना पड़ेगा, आपने बताए थे लेकिन आपने जो टाइमिंग दिए थे उससे पहले ही हो गया, आपने अगस्त बताए थे लेकिन उससे पहले ही मार्च तक में खाली करना है। कोई बात नहीं, अब जहाँ जाओगे वो उससे भी बेटर होगा क्या मालूम सर, कब तक से स्टेबिलिटी नहीं आएंगे, कहाँ कहाँ भागते रहेंगे फिर से घर ढूंढना क्या मालूम इस बार ही अपने ही घर में जाओ, पता नहीं सर जी हो सकता है अपने ही जाना है, अब अपने में जाना है जी सर। मैं तो अगस्त का लेकर बैठा था कि शायद अगस्त तक ये काम हो जाएगा तुम्हारा, पर ये तो जल्दी हो गया है अब अपने ही घर में जाना है, देखते हैं अपन। बात है ये, देखते तो तुम देखते रहना, अब तो रोज ही देखते हैं। अब हुआ क्या ना सर, ये हमारे हाउस ओनर आए थे और वो बस बेटा आके चले गए ना, बोल गए ना, बस 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 हाँ बोल क्या कहती है? जी सर वो तो मेरी क्लाइंट बन गए हैं पहली बात। अच्छा। दूसरी बात दूसरी बात वो जो फोटो लगाए हुए हैं ना वो तो देख के पूछे ही थे, और उनको पहले ही घर में रहने के लिए वो राजी नहीं थे क्योंकि 27वां फ्लोर है ये वो है, अब उनको इस घर में आके इतनी पॉजिटिव महसूस हुआ और मेरी बच्चे पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रही है, ये सब सुन के ना उनको ऐसा फील हुआ कि वो खुद घर में शिफ्ट होंगे, वो खुद शिफ्ट हो रहे हैं और बोल के गए हैं इसमें सारा कटिंग कुटिंग करके सारे नेमिटी वगैरह लगा के सेट करके फिर जाने। उपचार से ज्यादा डॉक्टर मैंने ठीक है। हाँ जी अनिल बताएं। हाँ सर आपने जो बताया था धनतेरस को, हाँ। वो हमने धनवंतरी जी की एननी में फोटो लगाई थी और चांदी के गिलास में पानी रखना स्टार्ट किया, उसको ढक के जाली से उसको पीना स्टार्ट किया, तो जो हेल्थ है वो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर बहुत नेगेटिव रहा तो उस कारण हेल्थ काफ़ी बिगड़ गई थी, तो अब काफ़ी इम्प्रूव है उसमें। और नॉर्थ की रेमेडी की थी उसके बाद बेटे की सर्विस लग गई। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। सबसे जरूरी है कि आप लोग अपने घर में करें और खुद से अपने जीवन में रिजल्ट लेकर आए, तभी आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप औरों को भी उपचार देने योग्य बन पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने रिलेशंस में करिए, लोगों के फ्रेंड्स के करिए, है ना, स्टार्टिंग में 2-4-5-10 लोगों के ऐसे भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हें क्या प्राप्त होगा, पैसा नहीं तो गेन तो आएगा, तुम्हारे को कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना। 10 आदमी करके आओगे और 10 में से 10 तुम्हें कहें कि हमारे जीवन परिवर्तित हो रहा है या हो गया है, तो हो नहीं सकता कि तुम जो कंसल्टेशन मांगो वो तुम्हें ना मिले, क्योंकि तब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा ये कहते हुए कि मेरी फीस तो इतनी है और रिजल्ट पेपर पे लिखवा के ले जाना, नहीं तो अपनी फीस वापस ले लो। हाँ जी जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम हरदीप। तो सर सर मेरे भी 2 एक्सपीरियंस है, टाइम तो होता नहीं मेरे पास, फिर भी मैंने बहुत दोस्तों के किए। सर मेरे एक पंडित जी हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं और वो पंडित ज्योतिषी हैं, तो सर मैंने जब उनको बताया कि मैंने ये वास्तु का कुछ किया है, तो उन्होंने मेरे को बताया पहले यार मेरा कर ले सर उनको सर मैं 96 से उनको जानता हूँ, और 96 से वो जिस गद्दी में थे ना, मैंने देखा वो SSW की गद्दी में थे, और जो जब भी उसके पास जाओ तो वो ना अपना पूरा ज्ञान दे देते हैं वो, तो मतलब हर कुछ,
तो मैंने उनको हिला के तो मैं नॉर्थ में बिठाया उनको है। तो सर वो मैंने उनको बोला, बोलते मेरे को 50 रुपए देते हैं लोग, तो मैंने बोला 500 रुपए सर। उन्होंने बिल्कुल ऐसे समझा एक हफ्ते के बाद कि मेरे को ना 500 से कम कोई दे रहा नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे को अपने घर में लिया सर, मैंने उधर भी देखा। तो वो बोलते हैं यार मैंने तो 30-35 साल हो गए इस चक्कर में, ये तो इतना परफेक्ट होता है, मैं तो ज्योति छोड़ के आपसे सीखूंगा सर। क्या बात है, बहुत अच्छे हरदीप, बहुत अच्छे। तो सर दूसरे मेरे एक डॉक्टर हैं, ज्योतिष में 12 खाने होते हैं और वास्तु में 16 दिशाएं जी सर, और फिर पंच तत्व भी हैं और उनके दिक्पाल है ना। हाँ बोलो। वो उसके बाद भूल ही गए सर, ज्योति मेरे को पूछते हैं कैसे, मैंने बोला बहुत टाइम लगेगा इसको सीखने में। हाँ ऐसे ही टाइम लगाए रखो। मेरे पास कोई टाइम नहीं होता सर। हाँ। सर मेरे मित्र हैं डॉक्टर, तो उन्होंने एक दुकान खोली थी कपड़ों की। हाँ। तो उनको पास भी टाइम कम ही होता था, फादर जी को अपने बिठाते थे वो। तो मैंने वो उनका ना काम बंद हो गया था, मतलब कोरोना की वजह से भी, तो ऐसे भी उनका बिल्कुल मतलब कोई आता नहीं था, एक दो ग्राहक आते होंगे। तो मैंने एक दिन, उन्होंने मेरे को बोला यार मैंने फोटो शूटे देखी आपकी। तो मैंने बोला यार मैं ऐसे वास्तु, बोलते यार वो इंटरेस्टेड है थोड़े। मैंने बोला मैं देख लेता हूँ आपको, क्योंकि मेरे को खुद भी टाइम नहीं होता। तो मैंने उनको छुआरे छुआरे दिखाए सर, नॉर्थ थोड़ा स्टेबल किया और साउथ ईस्ट दुकान पे। तो सर अभी उन्होंने ना मतलब कि उनके एक ब्रदर की डेथ हो गई थी कोरोना से, वो DSP थे हमारे। तो उनके दौरान में उन्होंने इस टाइम तक 4 बार सर वो सामान डाल दिया एक ही 1.5 महीने में। तो मैंने सर अब उसका परमानेंट करके आया था, मेरे पास रेमेडीज पड़ी है। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें हरदीप। और तुम पर तो वैसे ही मैं ऐसा समझता हूँ कि परमपिता परमात्मा की बहुत असीम कृपा है, ये आपकी दुआ है सर। अब इस ज्ञान को और आगे भी बढ़ाना है, बहुत सारे लोगों को निदान देना है, बहुत सारे लोगों को कष्ट मुक्त करना है ना। और तुम तो वैसे ही अब मौज में हो। जब व्यक्ति मौज में होता है तो उसका चेहरे का हाव भाव ही अलग होते हैं, बिल्कुल दिखता है कि व्यक्ति मौज में आ गया है ना? तो बहुत अच्छे से ऐसे ही करते रहे और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को पीड़ा मुक्त कीजिए और साथ में मेडिटेशन जरूर करते रहें सब लोग, क्योंकि मेडिटेशन ही एकमात्र आर्यमा है आपको आपके साथ कनेक्ट रखने का। अब मैं तुमसे ऐसे ही बात किया करूंगा, ठीक है? इससे क्या होगा, देवता अच्छे से याद हो जाएंगे। गॉट इट डन? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने पढ़कर एग्जीक्यूट तो किया। हाँ शुभ्रा क्या कहते हो?